चलिए मैं आपका अपना टीचर कुलशेखर गौड़ आज आपके लिए करंट की क्लास लेकर आया हूं। और करंट में भी हमारी जो शीतकालीन ओलंपिक खेलों का अभी आयोजन हुआ है 4 फरवरी से 22 फरवरी के मध्य, तो इनसे संबंधित जो भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं। और ताकि आपको करंट से भी अपडेट रखा जाए, कोई भी हमारा आगामी एग्जाम है वो करंट पे भी फोकस रखता है, तो इसलिए मैं आपके लिए आज करंट से संबंधित शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का टॉपिक लेकर आया हूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट आप ये याद रखना, शीत का जो ओलंपिक खेल है उनकी जो शुरुआत हुई थी 1924 में हुई थी। ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी वो 1924 में हुई थी, और कहां पर हुई थी? फ्रांस में। फ्रांस से इसकी शुरुआत मानी जाती है ओलंपिक खेलों की। ठीक है, वर्ष 2022 के ओलंपिक चीन के राजधानी बीजिंग में आयोजित किए गए, बीजिंग में आयोजित किए गए। और ये जो ओलंपिक खेले गए वो खेले गए नेशनल स्टेडियम हेबाई, एक चीन में स्टेडियम है उसका नाम है नेशनल स्टेडियम हेबाई, तो ये वहां पर खेले गए चीन में। ठीक है, तो ये दो पॉइंट अभी तक मैंने आपको बताया, ओलंपिक खेलों की शुरुआत फ्रांस से 1924 में हुई, और 2022 के जो ओलंपिक खेले गए वो चीन में खेले गए, चीन की राजधानी है बीजिंग में खेले गए, और वहां एक स्टेडियम है नेशनल स्टेडियम हेबाई, हेबाई में ये खेले गए। ठीक, इससे पहले 2008 में भी चीन में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है, इससे पहले 2008 में खेले गए थे चीन में शीतकालीन ओलंपिक खेल, ये आपके ग्रीष्मकाल में हुए थे। ठीक है, वहां पर और दूसरी बार हुए है चीन में, क्लियर है? इससे पहले चीन में 2008 में ग्रीष्मकालीन हुए थे और ये दूसरी बार चीन में आयोजित किए गए हैं शीतकालीन। चीन में यह खेल 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया है, मतलब यही ये खेल 4 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजित किए गए चीन में। ठीक है, और 2022 में 15 खेल शामिल किए गए थे, 15 खेल, कुल 15 प्रतिस्पर्धा थी 2022 में, मतलब यह 15 प्रकार के खेल शामिल किए गए शीतकालीन ओलंपिक 2022 में। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले इसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया, तो याद रखना भारत सहित 91 देशों ने हिस्सा लिया, 90 देश और थे, एक भारत था, तो कुल हो गए 91 कंट्री। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो लगभग 91 देशों के 2900 लोगों खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। क्लियर है? एक बार फिर बतला देता हूं, ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1924 फ्रांस से, वर्ष 2022 के ओलंपिक खेल चीन की राजधानी बीजिंग, किस स्टेडियम में खेले गए? हेबाई। ठीक, इससे पहले चीन में 2008 में आपके खेल हुए थे ग्रीष्मकालीन, दूसरी बार ये हुए हैं आपके शीतकालीन। कब से कब तक खेले गए शीतकालीन ओलंपिक खेल? 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक। क्लियर है? 2022 में कुल कितने खेल शामिल किए गए थे? 15। कितने देश शामिल हुए? 91, जिसमें भारत भी शामिल है। ठीक है, और कितने खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया? 2900 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, इसके बाद शीतकालीन ओलंपिक जो खेले 2022 के ओलंपिक खेलों का जो शुभंकर है, जो प्रतीक चिन्ह है, वो है बिंग ड्वेन ड्वेन, ड्वेन ड्वेन, बिंग ड्वेन ड्वेन। इसका मतलब ये होता है बर्फ से बना, एक इस तरह स्टेचू के टाइप में होता है, बर्फ से बना उसका पूरा शरीर होता है, तो बर्फ से बना पूरा शरीर, इसका अर्थ ये भी होता है मजबूत और जीवंत, तो ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, इसमें जो 91 कंट्री शामिल हुए थे इनमें प्रथम स्थान जो दिया गया है, याद रखना प्रथम स्थान नॉर्वे को मिला है,
नॉर्वे ने कुल 37 मेडल प्राप्त करे इसमें, 37 मेडल नॉर्वे को ही दिए गए हैं इसमें, जिसमें 16 स्वर्ण पदक, 8 रजत और 13 कांस्य। तो नॉर्वे को इसमें 16 स्वर्ण दिए गए हैं, 8 रजत दिए गए हैं और 13 कांस्य पदक दिए गए हैं। तो इन टोटल 37 मेडल के साथ नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। और ये याद रखना, नॉर्वे लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान पर है पदकों की सूची में, ठीक है, ये नोट में डलवाया हुआ है। नॉर्वे लगातार दूसरी बार ओलंपिक खेल पदकों की सूची तालिका में प्रथम स्थान पर है, दूसरी बार लगातार दूसरी बार, ठीक है। दूसरा स्थान इसमें जर्मनी का है, जर्मनी को कुल 27 मेडल मिले इसमें, ठीक है, जर्मनी। और तीसरा स्थान इसमें चीन का है, चीन को कुल 15 मेडल मिले इसमें, ठीक है। भारत ने शीतकालीन ओलंपिक में एक भी पदक प्राप्त नहीं किया। ये देखो कितनी बड़ी उसकी बात है, हमारे लिए मलाल की बात है, कितना बड़ा अफसोस है कि हमारे देश में क्या कोई ऐसा खिलाड़ी ही नहीं था जिसने एक भी पदक प्राप्त नहीं कर सका। तो भारत ने इसमें एक भी पदक प्राप्त नहीं किया, इसमें शीतकालीन ओलंपिक में 2022 में भारत की ओर से एकमात्र खिलाड़ी आरिफ खान ने इस ओलंपिक में क्वालिफाइंग किया था, मतलब पास किया था जाने के लिए, एक ही मात्र खिलाड़ी था जिसने इसमें क्वालिफाइंग किया था जाने के लिए। अब इससे पहले जो 2018 के, याद रखना 4 वर्ष बाद होते हैं ओलंपिक खेल, इससे पहले 2018 में हुए थे, ठीक है। तो 2018 के जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हुए थे वो हुए थे आपके दक्षिण कोरिया के गंगवोन में, दक्षिण कोरिया में एक शहर है गंगवोन, 2018 के खेल वहां पर हुए थे। और अगले जो खेल होंगे 2026 में होंगे, तो आप ये याद रखना 2026 के इटली में होंगे, ठीक है। 2026 के जो शीतकालीन ओलंपिक खेल होंगे वो आपके इटली में होंगे, क्लियर। अब यही पॉइंट आपको याद रखना, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई बताइए एक बार दबा दम, 1924 में फ्रांस से, ठीक है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है, 4 वर्ष बाद, प्रति 4 वर्ष बाद, ठीक है। वर्ष 2018 के ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे, दक्षिण कोरिया के गंगवोन शहर में, ठीक है। 2022 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर हुआ, चीन में, चीन की राजधानी बीजिंग में, ठीक है। 2022 के जो शीतकालीन ओलंपिक खेल है वो कब से कब तक चले, 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक। कितने देशों ने भाग लिया बताइए, 91 देशों ने भाग लिया भारत सहित। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, 2900 खिलाड़ियों ने। कितने खेल शामिल हुए, 15 खेल शामिल हुए, 15 मतलब 15 प्रकार के खेल शामिल हुए थे इसमें, क्लियर है यहां तक के पॉइंट। 2026 का जो ओलंपिक खेल होगा वो इटली में होगा, और प्रथम स्थान किस देश को दिया गया है इस पदक तालिका में, नॉर्वे को, नॉर्वे को लगातार दूसरी बार स्थान दिया गया, दूसरा 37 मेडल के साथ, 16 स्वर्ण 8 रजत 13 कांस्य। दूसरा स्थान जर्मनी और तीसरा स्थान चीन। और भारत को इसमें ना तो कोई मेडल मिला, सिर्फ एक व्यक्ति ने क्वालिफाई किया था, आरिफ खान ने। और 2022 के शीतकालीन ओलंपिक का जो शुभंकर था वो था बिंग ड्वेन ड्वेन, इसका मीनिंग होता है बर्फ से बना पूरा शरीर होता है इसका, मजबूत और जीवंत इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये था हमारा 2022 से जो क्वेश्चन बन सकते थे ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक खेल से। तो इसी तरीके से हम आपके लिए नई नई क्लास लेकर आते रहते हैं ताकि आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे, वो चाहे करंट अफेयर का हो, चाहे जनरल स्टडी का हो, जनरल कंप्यूटर का हो, किसी भी एग्जाम में कोई भी तरीका रहा हो वो, उससे हम आपको नई नई क्लासें उपलब्ध कराते रहते हैं। तो आप लोग भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको 3 क्लास प्रतिदिन मिल सके। और बाकी जो लोग हमारे YouTube चैनल से कंटिन्यूटी के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और उन्हें आगे के लिए हमारे साथ वो कंटिन्यू जुड़े रहे तो हम उनके
भावनाओं और उनके सम्मान और उनके विचार और उनकी सफलता के लिए अग्रिम बधाई देते हैं और उनके लिए हम और एनर्जी के साथ काम करने के लिए इच्छुक रहते हैं ताकि उन लोगों को जो भी समस्या है वो समाधान हो सके। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करें और बहुत अच्छी तरीके से आप आगे बढ़े, ठीक है? तब तक आप अच्छी तरीके से पढ़ें।